हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं माही और स्वागत करती हूं मेरे चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी एफसी माही में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ निक्स की मेटालिक आईलाइनर का रिव्यू शेयर करने वाली हूं। ये मैंने नायका से मंगवाया था, मेरे नायका वाले हॉल में इसके और प्रोडक्ट्स के मिल जाएंगे आपको। मैंने इसके और प्रोडक्ट्स भी मंगवाए थे एंड उनके रिव्यू भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो ये है दोस्तों निक्स मेटालिक आईलाइनर। इसका प्राइस है 625 रुपीज़, 625 रुपये। इसमें मुझे कोई डिस्काउंट नहीं मिला था एंड शेल्फ लाइफ इसकी है 2 ईयर्स। क्वान्टिटी इसकी है 1.3 ग्राम और ये पेंसिल कुछ इसी तरीके से आती है। इसके ऊपर कोई बॉक्स नहीं आता, ये ऐसे ही आती है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो ये देखिए, मैंने ये यूज़ किया है अभी, ये बहुत शार्प नहीं रह गया, थोड़ा सा रह गया, मैं आपको दिखा देती हूँ, उसके मुझे शार्प करना पड़ेगा। तो इसका जो टेक्सचर है दोस्तों, बहुत ही स्मूथ है, बहुत स्मूथ है दोस्तों। और इसका जो टेक्सचर है उसमें हल्का सा शिमर है, जो कि ऐसे आसानी से दिखाई नहीं देता, लेकिन जब हम अपनी आईज़ पे अप्लाई कर लेते हैं तो दूर से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का शाइन करता है। तो अगर आपको मेटेलिक शाइनी थोड़ा सा ग्लिटर जैसे हो वैसा है, तो थोड़ा सा मैट में ग्लिटर वाला अगर आईलाइनर चाहिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है इतने प्राइस में। एंड इसका जो मैंने शेड परचेज़ किया है, इस पर लिखा है MEL 06 ब्लैक मेटल एंड ये मेड इन जर्मनी है दोस्तों, जी हाँ। और ये है वाटरप्रूफ एंड सिर्फ इस पर वाटरप्रूफ लिखा है दोस्तों, लेकिन ये वाटरप्रूफ, स्मज प्रूफ सब कुछ है, लॉन्ग लास्टिंग है, ये बहुत देर तक स्टे करता है दोस्तों। इंटेंस ब्लैक कलर नहीं है, हल्का है कलर, आप देख सकते हैं हल्का कलर है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग आईलाइनर है, बहुत ही अमेजिंग। बड़े ही आसानी से इस तरीके से लग जाता है, मतलब टेक्सचर स्मूथ रहेगा दोस्तों तो आसानी से ही लगेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो ऐसा टेक्सचर मिलना बहुत मुश्किल है। तो आपको अगर परचेज़ करना है तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं, मतलब 625 रुपये पूरे वर्थ करता है ये प्रोडक्ट। महंगा मैं इसको नहीं कहूँगी, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी है, स्मज बिल्कुल भी नहीं होगा, वाटरप्रूफ है, बिल्कुल 100% वाटरप्रूफ है। आप जितना मर्जी पानी लगाइए। और एक चीज़ और, इसको निकालने के लिए आपको ऑयल बेस्ड मेकअप रिमूवर ही यूज़ करना पड़ेगा। ये वाटरप्रूफ जो है ना, मतलब पानी वाले जो नॉर्मल आते हैं मेकअप रिमूवर, उससे नहीं निकलेगा, वाइप से तो आपको रब करना पड़ेगा, तो आइस के ऊपर आप रब नहीं कर सकते हैं। एंड जब आप इसको निकालना चाहते हैं तो प्रॉपर किसी बेबी ऑयल से या ऑयल वाला जो मेकअप रिमूवर होता है उससे निकालिए, ये आसानी से निकलेगा, अदरवाइज़ आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको अभी इसका टेस्ट भी करके दिखा दूँगी। लगाने के बाद ना एक आध मिनट दोस्तों उसको छोड़ दिया कीजिए, तो उस तुरंत मत रब कीजिए, अगर तुरंत आप टेस्ट में लग जाएंगे तो वो तुरंत निकल जाएगा, थोड़ा सा उसको सेट होने के लिए टाइम लगता ही लगता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। एंड ये बहुत अमेजिंग है, मुझे ये बहुत पसंद आया है। अगर आप ट्राई करने का सोच रहे हैं, परचेज़ करने का, आपको इस पर ऑफ़र मिलती है या बिना ऑफ़र के भी आप ट्राई करना चाहते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग आईलाइनर है। एंड जो मैं आपको इसका टेस्ट करके दिखा देती हूँ, ये देखिए, ये बिल्कुल स्मज प्रूफ है दोस्तों, ना यहाँ से निकला ना यहाँ पर कहीं आया, और ये वाटर प्रूफ भी है, स्मज प्रूफ है तो वाटर प्रूफ भी है। एंड बहुत लॉन्ग लास्टिंग है दोस्तों, 8 से 10 घंटे आराम से निकाल देगा। अगर आपको मतलब इंटेंस ब्लैक कलर चाहिए, तो इंटेंस ब्लैक कलर तो नहीं है, लेकिन आप इसको टचअप दोबारा से कर सकते हैं थोड़ी देर बाद, मतलब 8-10 घंटे बाद ही ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन फिर भी थोड़ा डार्क करना है तो आप कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने नहीं किया, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया है दोस्तों। आप ट्राई करना चाहते हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अमेजिंग आईलाइनर है। एंड आज की वीडियो में इतना, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।